करेंगे। कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और हमने ये समझा था कि ईसॉप अगर कंपनी लेके आ रही है तो दो तरीके, पहला है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। उस इनडायरेक्ट को आप क्या बोलते हैं, ट्रस्ट के थ्रू लेकर आ रहे। ट्रस्ट के थ्रू में या तो नए शेयर इशू किए जाएंगे या तो सेकेंडरी मार्केट से सेकेंड हैंड शेयर्स लेकर आपको आना है और फिर एम्प्लॉय को देना है। ये पूरी प्रोसेस, ये फ्लो चार्ट हम देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको जो हेडिंग दिख रही है पॉइंट नंबर वन, एक्चुअल में हेडिंग यही है आपकी, स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोसेस। और ये पूरी की पूरी बातें ज्यादातर कौन सी बता रहे बच्चा, ट्रस्ट फॉर्म वाली बात, ठीक है, इनडायरेक्ट वाली। आइए, आज मेरी कंपनी अपने शेयरहोल्डर से डिस्कस कर रही है। आईटेक्स कंपनी ने अपने सारे के सारे शेयरहोल्डर को बुलाया और पूछा कि मुझे अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को रिटेन करके रखना है, मैं उनको ईसॉप देना चाहती हूँ, क्या ईसॉप दे दूँ क्या? तो अब शेयरहोल्डर क्या पास करेंगे, एसआर। एसआर बोले तो स्पेशल रेजोल्यूशन। व्हाट डू मीन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन? 75% के मेंबर्स हाथ उठाएंगे, वोट करेंगे और बोलेंगे कि हाँ कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है इनके एम्प्लॉय को रिटेन करना, हमारी हाँ है, आप कर दो। तो ऐसे ही कोई कंपनी काम नहीं कर सकती जब तक वो किससे ना पूछे, अपने मेंबर से। तो सबसे पहले मेंबर से पूछा जाएगा, उनकी मीटिंग करवाई जाएगी, एसआर पास करवाया जाएगा। इफ दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू ट्रस्ट, किसकी बात हो रही है, ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब इनडायरेक्ट। अगर ट्रस्ट के थ्रू लेके आ रहे हो तो मीटिंग में आज डिसाइड कर दो। आज मैंने मीटिंग में क्या डिस्कस किया कि मैं ईसॉप लेकर आना चाहती हूँ, इसी मीटिंग में ये भी डिस्कस कर लो कि मैं किस रूट से लेकर आना चाहती हूँ, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूट। तो मैं ट्रस्ट रूट से लेकर आना चाहती हूँ, ये भी डिस्कस कर लो। तो सारी बातें एक बार में यही क्लियर कर लो कि मैं ईसॉप लेकर आना चाहती हूँ और रास्ता मैं कौन सा लेना चाहती हूँ, डायरेक्ट वाला नहीं, इनडायरेक्ट वाला, ट्रस्ट फॉर्म। इफ द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू ट्रस्ट डिसाइडेड अपफ्रंटेड एट द टाइम ऑफ द टेकिंग अप्रूवल ऑफ द शेयरहोल्डर, शेयरहोल्डर से जिस टाइम पर आप उनसे ये पूछ रहे थे ईसॉप लाने वाली बात, तो उसी टाइम पर ये दूसरी बात भी पूछ लो कि हम ट्रस्ट के साथ लेकर आ सकते हैं क्या, वो अलाउ करेंगे इनडायरेक्ट रूट, तो लेके आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बात समझ में आ गई? तो मीटिंग में दो बातें पूछ रहे, ईसॉप लेकर आने वाली बात और दूसरी ट्रस्ट के थ्रू लाने वाली बात, दोनों बात साथ में डिस्कस कर लेने का, डन। चलिए, हाउएवर इफ द स्कीम इन्वॉल्व, अगर आपके डायरेक्टर ने डिसाइड करके रखा है हमें सेकेंडरी मार्केट ऑप्ट करना है, तो डायरेक्ट के थ्रू जाने की इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में तो सेकेंडरी है ही नहीं। तो इन शॉर्ट जो हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा कि डायरेक्ट रूट में ऑप्शन क्या है, नए शेयर ही प्रिंट होंगे। अगर मेरी कंपनी ने कहा मैं डायरेक्ट लेकर आ रहा हूँ तो फिर क्या करना है, नए शेयर देने पड़ेंगे। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे सेकेंड हैंड शेयर यूज करना है, सेकेंडरी मार्केट का यूज करना है, तो आपके पास कोई और मोड नहीं है, डायरेक्ट का मोड तो आपका खत्म, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट वॉज ट्रस्ट मोड इनडायरेक्ट, ठीक है। चलो, तो वो बस आपको ये बोल रहा है, अगर आपके डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि आपकी स्कीम में क्या होगा, सेकेंडरी एक्विजिशन होगा, मतलब सेकेंडरी मार्केट से जाके शेयर्स खरीदने का सोचा है, तो आपको ट्रस्ट ही बनाना चाहिए, ट्रस्ट के थ्रू ही आना है। या फिर क्या लिखा है बच्चा, गिफ्ट, आप अपने एम्प्लॉय को क्या सोच रहे हो, गिफ्ट में शेयर्स देने का सोच रहे हो, देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी फिर आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। इन शॉर्ट, सेकेंडरी मार्केट, गिफ्ट, या फिर क्या लिखा है, बोथ, बोथ मतलब थोड़ा गिफ्ट देना चाहता हूँ, थोड़ा ईसॉप देना चाहता हूँ, ठीक है, मिक्स करके देना चाहते हो, तो मैंडेटरी आपके पास वन एंड ओनली एक ही ऑप्शन है, दैट वाज थ्रू ट्रस्ट। आज तुम अपने डायरेक्टर के साथ बैठे हो, डायरेक्टर ने बोला यार मुझे गिफ्ट देने का मन है, तो आप क्या कहोगे, ऐसे नहीं दे सकते, आपको क्या बनाना है, पहले ट्रस्ट बनाना है। ट्रस्ट का नाम बताओ, एम्प्लॉई वेलफेयर ट्रस्ट, ये ट्रस्ट आपको बनवाने में डायरेक्टर की हेल्प करनी पड़ेगी। गिफ्ट देने का सोच रहे हो तो ट्रस्ट, सेकेंडरी मार्केट से खरीदने का सोच रहे हो तो ट्रस्ट, समझ में आया? तो ये रिकमेंड आपको करना पड़ेगा, पहला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड पॉइंट, द कंपनी में इंप्लीमेंट दी सेवरल स्कीम, स्कीम टोटल पांच स्कीम, पहला ईसॉप, दूसरा परचेज स्कीम, नेक्स्ट एप्रिसिएशन, नेक्स्ट जनरल बेनिफिट, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट। अब मेरी कंपनी चाहे तो कोई भी स्कीम लेके आ सकती ना, मैं ईसॉप भी लेके आ गई, मैं जनरल बेनिफिट भी लेके आ गई, जो एम्प्लॉई रिटायर होगा मैं रिटायरमेंट स्कीम भी लेके आ गई, मैंने ट्रस्ट एक बनाया। क्या ये एक ही ट्रस्ट बहुत सारी स्कीम्स को मैनेज कर सकता है? हाँ कर सकता है, लेकिन ट्रस्ट को बोल रखा है कि भाई इतनी सारी स्कीम मैनेज करने में कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो प्लीज सबका अकाउंट सेपरेट मेंटेन करना, सबका बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट मेंटेन करना। क्या एक ही ट्रस्ट क्या बहुत सारी स्कीम को मैनेज कर सकता है? हाँ कर सकता है, कंडीशन, अ कंपनी में इंप्लीमेंट सेवरल स्कीम थ्रू अ सिंगल ट्रस्ट। कंपनी बहुत सारी स्कीम लेकर आ रही है और ये सारा का सारा स्कीम का काम किसे करवा रही है? ट्रस्ट करवा सकता है, लेकिन सिंगल ट्रस्ट को ध्यान रखना है, कीप एंड मेंटेन, क्या सबके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होने चाहिए, क्या स्कीम का पैसा उस स्कीम में, उस स्कीम की सिक्योरिटी इस स्कीम में मिक्स नहीं होनी चाहिए, सबका प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होना चाहिए, सबके रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट अप टू डेट मेंटेन होने चाहिए, दैट्स इट। पहला पॉइंट क्या बोलता है, जिस दिन जनरल मीटिंग में एसआर पास करोगे, ईसॉप पास करने को लेकर, उसी दिन डिस्कस कर लो ट्रस्ट के थ्रू लेकर आ रहे हैं,
ठीक है, सेकेंडरी मार्केट का सोचा है लेने का, गिफ्ट सोचा है, बोथ सोचा है, तो आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, दैट वाज ट्रस्ट। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, कंपनी बहुत सारी स्कीम ए सिंगल ट्रस्ट से करवा रही है, करवा सकती है, हाँ, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का, रिकॉर्ड मेंटेन करने का, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे, ट्रस्ट डीड, ये ट्रस्ट डीड कहाँ से आ गए, अगर ट्रस्ट आएगा तो ट्रस्ट डीड भी आएगा, ठीक है, मैं कह रही हूँ अगर कंपनी है, कंपनी आएगा तो मेमोरेंडम आर्टिकल तो है ही, बार बार बोलते नहीं है, लेकिन भैया उसके बिना तो कंपनी बन नहीं सकती, ऐसे ही ट्रस्ट आएगा तो ट्रस्ट की डीड भी आएगा, ट्रस्ट डीड कुछ नहीं एक अग्रीमेंट है, कंपनी और ट्रस्ट के बीच के एक अग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड में सारी चीजें डिटेल में लिखी होनी चाहिए, जो भी स्पेसिफाइड कर रखा है, हम पढ़ रहे हैं सेबी के रेगुलेशंस, सेबी के रेगुलेशंस कौन से, एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन, इस सेबी के रेगुलेशन में शेड्यूल दे रखा है, उस शेड्यूल ए में सारे टर्म्स एंड कंडीशन पॉइंट्स दे रखे हैं, जितनी बातें दे रखी हैं वो सारी बातें आपके ट्रस्ट डीड में होना चाहिए, मतलब ट्रस्ट डीड कैसे बनेगी ये वहां बता के रखा है, डन। चलिए एनी मॉडिफिकेशन, ट्रस्ट डीड में अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो प्लीज ये बात स्टॉक एक्सचेंज को बताओ, हम पढ़ रहे हैं सेबी के रेगुलेशंस, हम पढ़ रहे हैं सेबी के रेगुलेशन, कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करोगे तो स्टॉक एक्सचेंज को वो सारे मॉडिफिकेशन बता देने का, ट्रस्ट डीड जब पहली बार बनाई स्टॉक एक्सचेंज को बताया, चेंजेस किए तो फिर से बता दो ना, दैट्स इट। समझ में आया, तीन पॉइंट, पहला जनरल मीटिंग, दूसरा सिंगल ट्रस्ट बहुत सारी स्कीम मेंटेन कर सकता है, तीसरा ट्रस्ट डीड में सारी बातें लिखी होनी चाहिए, चेंजेस करोगे तो वो भी इन्फॉर्म करने का। चलिए बढ़े आगे, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट, ट्रस्टी कौन बनेगा इस ट्रस्ट में, एनी पर्सन अपॉइंट एज अ ट्रस्टी, ट्रस्टी कोई भी बन सकता है, यहाँ कुछ पॉइंट्स दे रखे, पहले मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट बता दिए, ये इनएलिजिबिलिटी मतलब ये लोग ट्रस्टी नहीं बनेंगे, फिर नीचे हावेवर से जो पैराग्राफ बता रहा है वो एलिजिबल है, मतलब ये लोग ट्रस्टी बन सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं इस ट्रस्ट में ट्रस्टी कौन बनेगा, कौन लोग बन सकते हैं और कौन लोग नहीं बन सकते, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पहले आ जाओ शॉर्ट में, पहले आ जाओ शॉर्ट में, पहले आ जाओ स्क्रीन में समझेंगे, फिर मैं आपको रीड करवा रही हूँ। मेरी कंपनी आईटेक्स कंपनी, आप लोग मेरी कंपनी के मेंबर, आईटेक्स कंपनी का डायरेक्टर ट्रस्टी नहीं बनेगा, ट्रस्ट में बैठने वाला ट्रस्टी एकदम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो भैया कंपनी का डायरेक्टर बैठेगा नहीं, कंपनी का केएमबी बैठेगा नहीं, कंपनी का प्रमोटर बैठेगा नहीं, और ना ही इनके रिलेटिव्स बैठेंगे। अब मेरी कंपनी का भी नहीं बैठेगा, होल्डिंग का भी नहीं, सब्सिडी का भी नहीं, एसोसिएट का भी नहीं, कौन कौन नहीं बैठेगा ये समझ में आ गया, तो ये है नेगेटिव लिस्ट, ठीक है। देन शुड नॉट होल्ड, ऐसा कोई बंदा नहीं बैठेगा जिसके पास क्या है 10% या 10% से ज्यादा की भैया शेयर होल्डिंग है, मतलब ये कंपनी के ज्यादा सगे, कंपनी के ज्यादा सगे लोग ट्रस्ट में नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो फेयर तरीके से चीजें नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीजें छुपाने लगेंगे ना, ट्रस्ट बना दिया मतलब एकदम फेयर तरीके से डीलिंग होनी चाहिए, इनके पास सिक्योरिटीज रखे, जो एम्प्लॉयज आएगा दे देने का, ट्रस्ट बनाने का पर्पज ये है कि भैया कंपनी से एकदम सेपरेट हो जाए, जब कंपनी से सेपरेट हो जाएंगे तो इन्हीं के लोग थोड़ी ना बैठेंगे, तो ट्रस्ट में कौन ट्रस्टी कौन कौन नहीं बनेगा ये समझ में आए, कौन बनेगा, कोई भी ओपीसी फुल फॉर्म, वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी ट्रस्टी बन सकती है, आर्टिफिशियल बॉडी बन सकती है, हाँ बन सकती है, इंसान बन सकता है, इंडिविजुअल हाँ बन सकता है, ओपीसी बन सकता है और इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब एक इंसान, ओपीसी मतलब एक आर्टिफिशियल बॉडी कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसमें कितने मेंबर होते हैं एक, मतलब ये दोनों एक एक है बोल सकती हूँ, अगर ये लोग एक एक है, आईटेक्स कंपनी का मैंने एक ट्रस्ट बनाया, उसमें मैंने ओपीसी को बना दिया है ट्रस्टी, तो ये कितने होने चाहिए, दो ओपीसी होने चाहिए, दो ट्रस्टी होने चाहिए, समझ में आ रहा है। वापस मैंने आईटेक्स कंपनी का एक एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट बना दिया, उसमें दो इंडिविजुअल रहेंगे जो ट्रस्टी का रोल प्ले करेंगे, मतलब अगर एक है तो ऐसे कितने लोग होने चाहिए, दो होने चाहिए। मैंने एक एक्स वाई जेड कंपनी को ट्रस्टी बना दिया, मैंने किसे बना दिया, एक एक्स वाई जेड कंपनी को, तो एक्स वाई जेड एक ही कंपनी एज अ ट्रस्टी काम करेगी। वापस हम पढ़ रहे हैं आईटेक्स अपना एक ट्रस्ट बना रहा है, ठीक है, आईटेक्स अपना एक ट्रस्ट बना रहा है, जब इसने अपना एक ट्रस्ट बनाया तो ट्रस्ट कौन बनेगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एक इंसान को रखूं, अगर मैंने एक इंडिविजुअल इंसान को ट्रस्टी रखा तो मिनिमम कितने रखूंगी, दो को रखूंगी, समझ में आया। अगर मैं कह रही हूँ कि नहीं मुझे एक ओपीसी को रखना है, मेरे पास और ऑप्शन क्या है, या फिर मैं क्या रखूंगी, एक ओपीसी, तो ओपीसी भी कितने होने चाहिए, दो ओपीसी होने चाहिए, बात समझ में आ रही है। या तो मैं क्या करूँ, एक इंडिविजुअल रखूँ और एक ओपीसी, कुल मिला के दो लोग मिनिमम तो होने चाहिए, बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि ये सिंगल पूरा काम नहीं कर पाएगा, हमारा ऐसा मानना है कि भैया कम से कम दो ट्रस्टी फिर काम करें, ठीक है। अगर ट्रस्ट ने एक नॉर्मल कंपनी बनाई तो कंपनी की पूरी एक टीम मिलती है,
कंपनी एक वाइडर लेवल में काम करती है, तो फिर सिंगल एक एक्स वाई जेड कंपनी को ट्रस्टी रखो, दैट्स इट। इसके अलावा कोई रखने की जरूरत नहीं है। अब ये मैंने आपको बस सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा दिया है, आ जाओ अब आपकी बुक की लैंग्वेज रीड करेंगे। रीड करें, एनी पर्सन कैन अपॉइंट एज अ ट्रस्टी, कोई भी पर्सन क्या हो सकता है एज अ ट्रस्टी अपॉइंट हो सकता है ऑफ द ट्रस्ट, एक्सेप्ट सच पर्सन, नीचे बता रही, डायरेक्टर नहीं बनेगा, के एम पी नहीं बनेगा, प्रमोटर नहीं बनेगा, किसकी, हमारी कंपनी की, हमारी कंपनी का डायरेक्टर के एम पी प्रमोटर नहीं बनेगा। क्या लिखा है, ग्रुप कंपनी का डायरेक्टर के एम पी प्रमोटर नहीं बनेगा, इंक्लूडिंग होल्डिंग कंपनी का नहीं बनेगा, सब्सिडरी का नहीं बनेगा, एसोसिएट का नहीं बनेगा, और एनी रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर के एम पी पर्सनल या फिर प्रमोटर, समझ में आ रहा है, इन सब का भी नहीं। नेक्स्ट, कोई भी बेनिफिशियल होल्ड्स, मतलब शेयर होल्डर की बात हो रही है, कोई भी शेयर होल्डर जिसके पास कितना है 10% और मोर, 10% इंक्लूड कर रहा है, 10% है, तो वो भी ट्रस्टी बनने के लिए इनएलिजिबल है, ठीक, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल का 10% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये इनएलिजिबल। तो एलिजिबल कौन है, इंडिविजुअल, वेरी गुड, इंडिविजुअल ओपीसी और कंपनी, लेकिन इंडिविजुअल रखोगे तो दो, ओपीसी रखना है तो दो, कंपनी रखना है तो सिंगल से काम चल जाएगा। इंडिविजुअल 1% कंपनी, 1% कंपनी वही जो कंपनी एक्ट में डेफिनेशन दे रखी है, ये लोग अपॉइंट हो सकते हैं एज अ ट्रस्टी, लेकिन प्लीज मिनिमम 2 सच ट्रस्टी, मिनिमम 2 लिखा है तो मर्जी है आपकी, ज्यादा काम ज्यादा लोग को रखो, ठीक है, एज इन केस कॉर्पोरेट एंटिटी तो अपॉइंट एज अ ट्रस्टी, सोल ट्रस्टी से काम चल जाएगा। समझ में आया क्या, पकड़ डन, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, याद है, शॉर्ट में बस हेडिंग बताओ, पहला जनरल मीटिंग में ही परमिशन ले लो, दूसरा सिंगल ट्रस्टी बहुत सारी इसकी मैनेज कर सकता है, ट्रस्ट डीड में सारी बातें कवर होनी चाहिए जो शेड्यूल में गिवन है, कौन एलिजिबल और कौन एलिजिबल नहीं है। अच्छा, ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट नॉट वोट, क्यों भाई, शेयर्स दे रखे हैं कंपनी ने इसको, वेरी गुड, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था, ये है हमारी कंपनी, हमारी कंपनी ने क्या किया था, ट्रस्ट को दे रखा था शेयर्स, भाई संभाल के रखो, 3 साल बाद ये एम्प्लॉयज आकर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, तो अभी फॉर द टाइम बिंग ये शेयर्स किसके पास रखे हैं, ट्रस्ट के पास, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी रखा है ना, तो क्या वोटिंग का राइट है क्या, नहीं, ये तो बस अभी फॉर्मेलिटी के लिए ट्रस्ट के पास शेयर्स रखे, असली मालिक एम्प्लॉय बन गया है क्या, एम्प्लॉय भी नहीं बना है, एम्प्लॉय कब असली मालिक बनेगा, जब एक्सरसाइज करेगा, मतलब कि ना तो ये अभी एम्प्लॉय का है और ना तो ये अभी ट्रस्ट का है, ट्रस्ट ने फॉर्मेलिटी के लिए अभी संभाल के रखा है, जब एम्प्लॉय आएगा एक्सरसाइज करेगा तब एम्प्लॉय मालिक बन जाएगा, तो ये एम्प्लॉय के पास भी वोट नहीं है, ट्रस्ट के पास भी वोट नहीं है, बात समझ में आ रही है, पक्का, ऑब्वियसली पड़ा रहेगा, जब जिसके पास आएगा उसके पास पहुंच जाएगा, ये सब संभाल के कौन रखेगा, डिविडेंड भी ट्रस्ट संभाल के रखेगा, मालिकाना हक ना ट्रस्ट का है और ना ही एम्प्लॉय का, जिस दिन वो एक्साइज करेगा वो डिविडेंड भी साथ में ट्रांसफर हो जाएगा, बात समझ में आ गई, हाँ बस कुछ नहीं, वो अपनी फॉर्मेलिटी किसी और के सर पे बस दे दे रही है, दैट्स इट, कि भैया हमें संभाल के नहीं रखना, स्टोरेज इशू, बहुत सारे कंप्लायंसेस इशूज हमें नहीं करना, हमें ऐसे 10 दूसरे काम करने, ठीक है, तो हमने बस अपने काम को शिफ्ट कर दिया, दैट्स इट, ठीक, चलो, तो क्या वोटिंग राइट आएगा, बिल्कुल भी नहीं, ट्रस्टी एज अ ट्रस्ट गवर्न अंडर दीज रेगुलेशन शेल नॉट वोट इन रिस्पेक्ट ऑफ दी शेयर्स, ठीक है, नेक्स्ट, ट्रस्टी एंश्योर करेगा क्या, ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन जिन जगह पे जहां जहां शेयर की अप्रूवल हो रही थी वो सारी अप्रूवल एज पर रूल रेगुलेशन फॉलो कर हो जाए। नेक्स्ट, ट्रस्ट नॉट डील इन डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव मार्केट ना कुछ सुना सुना सा लग रहा है, फ्यूचर ऑप्शन कॉम्प्लेक्स होते हैं ये, थोड़े ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट शेयर नहीं होते, ये शेयर पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं, कॉमोडिटी पे बेस्ड होते हैं, अंडरलाइंग एसेट्स, ठीक है, तो उन्होंने कहा भैया ये ट्रस्ट ना नॉर्मल शेयर्स में डील करता है, डेरिवेटिव में डील नहीं करेगा, शेल अंडरटेक ओनली डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन, वो ऐसे काम करेगा जिसमें एक्चुअल में ट्रांजेक्शन डिलीवरी होती है, सिक्योरिटीज एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट जाती है, ठीक है, नॉर्मल वो कह रहे जो भी सेबी ने परमिट कर रखे हैं सेकेंडरी एक्विजिशन में, बात समझ में आई, डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन में जाता है, डेरिवेटिव में नहीं जाता है क्योंकि डेरिवेटिव में एक्चुअल में डिलीवरी नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास शेयर्स है, मेरे पास अगर शेयर्स है, ऐसा क्या होता है, थोड़ा सा अपन दोस्तों के साथ नहीं जैसे करते रहते हैं कि शर्त लगा मार्केट में, देखना रेट बढ़ जाएंगे, हम कह रहे हैं नहीं यार मार्केट में रेट कम है, शेयर मेरे पास ही रखा है,
वापस शेयर सिक्योरिटी मेरे पास रखे हैं, लेकिन मैं डर रही हूँ और मैं क्या बोल रही हूँ कि मार्केट में रेट कम हो जाएंगे और आप लोग बोल रहे हो मार्केट में रेट बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो शर्त लगाते हैं 100 रुपये की, शेयर थोड़ी ना दे देते हैं, तो 100 रुपये आपके मार्केट में रेट बढ़ गए तो 100 रुपये आपके, सिक्योरिटीज तो मेरे पास ही है ना। तो वो बस यही बोल रहे हैं कि डेरिवेटिव में क्या होता है, डिलीवरी वगैरह नहीं हो रही है, सिक्योरिटीज इसके पास है उसी के पास है, लेकिन क्योंकि उसने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था वो शर्त लगाने वाला, ठीक है, तो इन पे ये डील नहीं करता, ये बस डिलीवरी बेस्ड चीजों पे करता है जिसमें सिक्योरिटीज एक्चुअल में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, द कंपनी में कंपनी उधारी देती थी ट्रस्ट को, क्यों उधारी दे रही थी ट्रस्ट को, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे वो शेयर इशू करी थी। तो ये लिखा है द कंपनी में लेंड द मनी टू द ट्रस्ट न्यू शेयर या फिर सेकेंडरी एक्विजिशन। अब वो सिचुएशनल है, कंपनी ने किस टाइप का अग्रीमेंट किया है ट्रस्ट के साथ, नए शेयर इशू करने का या फिर इस पैसे से वो क्या करेगा, सेकेंडरी मार्केट में जाके शेयर्स खरीद लेगा। बात समझ में आ गई? पक्का पक्का पक्का, बढ़ू आगे। चलिए, इन्होंने कहा क्योंकि 3 साल तक ये पैसा किसके पास पड़ा है, सॉरी शेयर्स किसके पास पड़े हैं, ट्रस्ट के पास, तो अब ये क्या पब्लिक शेयर होल्डिंग कहलाएगी, क्या प्रमोटर शेयर होल्डिंग कहलाएगी? ये नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग है ना, तो ये प्रमोटर का शेयर माना जाएगा ना ये जनता का माना जाएगा, ये बस एक अलग से हेडिंग आएगी कि ये नॉन प्रमोटर, इनको एक नाम दे दिया गया। क्या नाम मिला इन्हें? नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। समझ में आए? वापस, जनता के पास अगर शेयर्स रखा है तो उनको क्या नाम दिया जाता है? पब्लिक शेयर होल्डिंग। प्रमोटर के पास रखा है तो क्या बोला जाता है? प्रमोशन शेयर होल्डिंग। ये बोल रहे हैं ना ये प्रमोटर के पास है ना जनता के पास है, तो ये हमारी नजरों में अभी किस कैटेगरी में जाएगा? नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो ये बस ये बोल रहे हैं शेयर होल्डिंग ऑफ द ट्रस्ट शेल बी शो अकाउंट। इस बीच हमें ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना फाइल करने होते हैं, हमें ROC को, स्टॉक एक्सचेंज को, सेबी को अपने डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो अभी इन 3 साल के पीरियड में तो एम्प्लॉय खरीदने आएगा नहीं, तब तक हम ये शो करते हैं कि भैया ये नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग है, इससे आप समझ जाओ ये कहाँ रखा हुआ है शेयर, ट्रस्ट के पास रखा हुआ है। ठीक, एक्सप्लेनेशन वही बोल रहे हैं। सेकेंडरी एक्विजिशन इन अ फाइनेंशियल ईयर ट्रस्ट, ट्रस्ट को बोला था सेकेंडरी मार्केट से खरीद लेना, याद है? या तो नए शेयर या तो सेकेंडरी मार्केट, ये सेकेंडरी मार्केट वाला उसने ऑप्शन ऑप्ट किया। तो भाई एक ही बार में जाके पूरे शेयर्स खरीद लेगा? नहीं, स्टॉक मार्केट में जाके अगर आप एक बार में सारे शेयर्स खरीदोगे तो स्टॉक मार्केट में बहुत अप डाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो एक लिमिट डिसाइड कर दी गई, 1 साल में 2% से ज्यादा नहीं खरीदने का। 1 साल में कितने ज्यादा? 2% से ज्यादा नहीं खरीदना। 2% पेड अप ऑफ द इक्विटी कैपिटल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब आज इस साल मुझे जाना, मैं ट्रस्ट हूँ, मुझे 2% खरीदना है सेकेंडरी मार्केट से, लोन ले लिया मैंने, किससे? कंपनी से ले लिया। ठीक है, अब इस पैसे का यूज करूंगी तो एक बार में सारे शेयर्स खरीदूंगी जितने की, उन्होंने कहा 1 करोड़ का इशू देना है मुझे एम्प्लॉयज को, इस शॉप में देना है, तो ये पूरा 1 करोड़ खरीद के बैठ जाऊंगी? नहीं, पहले मैं अपना पेडअप देखूंगी, पिछले साल की बैलेंस शीट उठाऊंगी, मार्च तक की बैलेंस शीट उठाऊंगी, पिछले साल में जितना पेडअप है उसका कितना निकालूंगी, 2%। 2% की ही मेरी लिमिट है इस साल खरीदने की, 3 साल बाद की कहानी है ना, अभी से लेके मत बैठो ना पूरे, और क्यों मार्केट को अप डाउन हिला रहे हो, पूरा फ्लैक्चुएट कर रहे हो। तो भाई इस साल 2% ले लो, नेक्स्ट ईयर 2%, 2% ऐसे करके अपना पूरा 1 करोड़ का कंप्लाइंसेस कंप्लीट करो। बात समझ में आ रही है? पक्का? चल, तो अगर सेकेंडरी मार्केट से खरीदने जाएगा ट्रस्ट तो कितनी मैक्सिमम लिमिट है 1 साल की? 2%। 1 साल की है 2%, इन्होंने साफ साफ बोल दिया भैया कभी भी 5% से ज्यादा नहीं होना है। 11th पॉइंट रीड कर रहे हो, द टोटल नंबर ऑफ दी शेयर्स सेकेंडरी एक्विजिशन हेल्ड बाई दी ट्रस्ट, ट्रस्ट के पास जब भी वो सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स खरीदने जाएगा तो कभी भी एट नो पॉइंट ऑफ टाइम एक्सीड द बिलो मेंशन लिमिट। नीचे मेंशन है लिमिट, यहाँ आप सबसे पहले देखो स्क्रीन में देखो, यहाँ आपको पार्ट ए बी सी डी ई, अब इनके नाम लिख लो, जहाँ कहीं भी पार्ट ए आएगा तो समझ जाओ इसॉप, पार्ट बी आएगा तो इसैप, इसैप क्या था? परचेज स्कीम। ठीक है, सी क्या था? सार, शॉर्टकट में, लेकिन मैंने आपको क्या करवाया था? एप्रिसिएशन वाला, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, फिर जनरल बेनिफिट और रिटायरमेंट बेनिफिट, लिख लो फटाफट, पहले आ जाओ यहाँ पर, वापस आ जाओ, हम पढ़ क्या रहे? तुम हो सीएस, डायरेक्टर ने बोला रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम लेकर आनी है तो उसकी एक लिमिट है ना, इसॉप लेकर आना है उसकी एक लिमिट है। तो भैया सेकेंडरी मार्केट से अगर आप सोच रहे हो शेयर्स उठाने का, तो सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स अगर उठाओगे तो 1 साल में कितनी लिमिट है? 2, उससे ज्यादा नहीं, आपको ध्यान रखना है कि लिमिट एक्सीड ना हो। दूसरा, कभी भी कितने भी साल मिला लो, जैसे मेरे एग्जाम्पल में 3 साल था, इन 3 साल का कंपाइल कर लो, कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 5% से ज्यादा नहीं। अगर मैंने अभी 2 ले लिया, नेक्स्ट ईयर 2 ले लिया, फिर कितने ले सकती हूँ? 1 ही ले सकती हूँ। बात समझ में आ गई? ठीक है, या फिर मुझे लग रहा है कि भैया 5 साल बाद करना है तो हर साल 1% करके लूँ मैं। ठीक है,
डेढ़ 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 ले सकती हूँ, लेकिन दो से ज्यादा नहीं ले सकती। समझ में आ गया? चलो, अब इन्होंने कहा स्कीम, सॉरी, अगर आप कौन सा लेके आ रहे हो, स्कीम ए वाली लेके आ रहे हो, इसॉप, या फिर परचेज, या फिर क्या ले रहे हो, एप्रिसिएशन राइट, इनकी लिमिट कितनी है? 5। डी और ई मतलब जनरल रिटायरमेंट बेनिफिट की लिमिट कितनी है? 2। लेकिन आपकी कंपनी तो पांचों की पांचों स्कीम लेकर आई है, तो सब का मिलाकर कभी भी 5% नहीं। मान लो आईटेक्स कंपनी एक स्कीम लेकर आई रिटायरमेंट बेनिफिट, बाकी कुछ नहीं लाई है, तो कितनी लिमिट है? 2। ठीक है, मैं कह रही हूँ मैं इसॉप लेके आ गई, तो इसॉप और रिटायरमेंट दोनों मिलाकर कभी भी 5% नहीं जाना है। उन्होंने कहा सारी स्कीम्स का एग्रीगेट कभी भी 5% से ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा है? बोलो। चलो, कुछ 12 पॉइंट समझने से पहले कुछ वर्ड्स है, वर्ड्स का मीनिंग समझना जरूरी है। ठीक है, क्या लिखा है? अप्रोप्रिएटेड शेयर, जहां कहीं भी अप्रोप्रिएटेड शेयर आएंगे, समझ लेना वो सारे शेयर्स जो एम्प्लॉय ने एक्साइज कर लिए, खरीद लिए। वाह, बस। अप्रोप्रिएटेड शेयर मतलब वो सारे शेयर्स जो एम्प्लॉय ने क्या कर लिए, एक्साइज, खरीद लिए। अगर अनअप्रोप्रिएटेड मतलब एक्साइज नहीं किया। ठीक है, अब बच्चा 3 साल बाद की कहानी तो भैया हमें बाद में पता चलेगी, एम्प्लॉयज खरीद भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, हमने तो ट्रस्ट के पास संभाल के रखा है, अब ट्रस्ट के पास आकर लेकर जाने का था। अगर खरीद लिया तो अप्रोप्रिएटेड, अगर नहीं खरीदा तो अनअप्रोप्रिएटेड। ठीक है, अगर नहीं खरीदा तो बचा हुआ है ना, जो दूसरे एम्प्लॉयज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूरे एम्प्लॉयज है, कुछ लोगों ने खरीदा कुछ लोगों ने नहीं खरीदा, तो जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज है उनको हम बोल सकते हैं लेने को, उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज स्टॉक मार्केट में बेचना पड़ेगा, क्योंकि ये शेयर ट्रस्ट अपने पास रख के क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो देगा। ठीक है, तो उसका क्या होगा, आओ रीड करें। अगर कोई भी अनअप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री ऑफ शेयर्स बच गया, क्या ये टर्म का मीनिंग समझ में आ रहा है? अगर कोई अनअप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री ऑफ शेयर्स विच आर नॉट बैक्ड बाय एनी ग्रांट, ग्रांट मतलब वो जो ऑप्शन ग्रांट था, ग्रांट का मतलब समझाया था मैंने आपको, ग्रांट क्या था, ग्रांट वेस्ट ऑप्शन देना, इन्होंने कहा कि जो ऑप्शन दिया गया था वो किसी ने नहीं लिया, एक्वायर्ड थ्रू। ठीक है, और वे शेयर्स कहां से खरीदे थे, कहां से खरीदे थे ये शेयर्स? सेकेंडरी मार्केट से, भैया ने ट्रस्ट ने खरीद के रखा था, अब खरीद के रखा ये एम्प्लॉय नालायक, इन्होंने एक्साइज ही नहीं किया। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि भैया इस ट्रस्ट ने किस स्कीम के लिए खरीद के रखा था, पार्ट ए के लिए खरीद के रखा था, बी के लिए, सी के लिए, पार्ट ए बी सी, समझ में आ रहा है? ए क्या है, इसॉप, बी क्या है, परचेज स्कीम, सी क्या है, एप्रिसिएशन, इन पर्पस के लिए उन्होंने खरीद के रखा था। शेल बी, उन्होंने कहा कि ठीक है आप इसे क्या कर लो, अप्रोप्रिएट कर लो, अनअप्रोप्रिएट बचे हुए को क्या कर दो, अप्रोप्रिएट कर दो, विद इन अ रीजनेबल पीरियड, रीजनेबल पीरियड नहीं याद रखा है बस ध्यान, उन्होंने बोला जल्दी से बिकवा दो, नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द एंड ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, बस क्या बोल दिया उन्होंने, जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर आएगा उससे पहले पहले इसे खत्म कर दो, मतलब इसे बिकवा दो, दे दो, और द सेकेंड सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू अप्रूवल, अगर आप नेक्स्ट ईयर तक पहुंच जाते हो और आपका नहीं बिका तो प्लीज अब आप किससे अप्रूवल ले लो, कंपनसेशन कमिटी, ये क्या थी कंपनसेशन कमिटी जो कंपनसेशन देती थी, वापस हम पढ़ रहे हैं इसॉप, इसॉप लाने के 2 रूट, पहला रूट क्या है डायरेक्ट, दूसरा रूट क्या है इनडायरेक्ट, अगर आप डायरेक्ट रूट से आते हो तो एक कंपनसेशन कमिटी बनती है, ये डिसाइड करती है कि भैया कौन एम्प्लॉय एलिजिबल है, इनहाउस जो काम हो रहा था, समझ में आ रहा है? तो कंपनसेशन कमिटी कौन है, कंपनसेशन कमिटी वो कमिटी है जो डिसाइड करेगी किस एम्प्लॉय को फायदे मिलने चाहिए, कंपनसेशन कमिटी वो कमिटी है जो पूरा का पूरा इसॉप स्कीम का स्ट्रक्चर तैयार करेगी, इसके टर्म्स एंड कंडीशन सब ए से लेकर जेड तक सब डिसाइड करने वाली कंपनसेशन कमेटी, मतलब पूरी स्कीम का कर्ता धरता सबका कौन है, कंपनसेशन कमेटी। डायरेक्ट रूट में यही कर रही है, लेकिन अगर कंपनी ने बोला कि मैं इनडायरेक्ट रूट से जा रही हूँ, इनडायरेक्ट रूट से जा रही हूँ, तो इस कमेटी ने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट को दे दी, मतलब ये कमेटी तो है, ये कमेटी बैठी है, लेकिन सारा सरदर्द उसने किसको दे दिया, ट्रस्ट, तुम करो। बात समझ में आ रही है? तो कंपनसेशन कमेटी याद आ गया, आ जाओ ये क्या बोल रहा है, 12 वाला पॉइंट, पहले ये क्या बोलता है कि जो भी अनअप्रोप्रिएटेड पार्ट है, जो आपने सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स खरीदा था, ये बच गया, ये नहीं बिका, एम्प्लॉयज ने एक्साइज नहीं किया, प्लीज इसे अप्रोप्रिएट कर दो, कब, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आने से पहले पहले, लेकिन स्टिल फाइनेंशियल ईयर आ गया आपका नहीं बिका तो टेंशन मत लो, फॉर एग्जाम्पल अभी क्या चल रहा है, फरवरी चल रहा है, तो मार्च तक जल्दी जल्दी खत्म कर दो, नेक्स्ट आए, लेकिन आपका अप्रैल मई तक भी पहुंच गया, तो बस इन्होंने क्या बोल दिया, किससे डिस्कस कर लो, किससे अप्रूवल ले लो,
कंपनसेशन कमिटी। अब ये कंपनसेशन कमिटी होती कौन है? कंपनसेशन कमिटी एक्चुअल में नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी होती है। क्या लिखा है? नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, ठीक है। कभी कभार जो कंपनसेशन कमिटी होती है उसी को ही हम बोलते हैं नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी। कंपनी ना बहुत सारी कमिटीज बनाती है अपने कंपनी के मैनेजमेंट के लिए। एक होती है ऑडिट कमिटी, जिसका काम क्या होता है? ऑडिट करना। एक होती है शेयरहोल्डर रिलेशनशिप कमिटी, जिसका काम क्या है? शेयरहोल्डर से रिलेशनशिप मेंटेन करना। तो कमिटी कुछ नहीं बस ग्रुप ऑफ लोग है, ठीक है, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स है। एक कमिटी होती है जिसका नाम क्या है? नॉमिनेशन, इसमें आ जाओ, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी। इस कमिटी का नाम क्या है? नॉमिनेट करना, और जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी जो सैलरी है, रेम्यूनरेशन है, वो टाइमली सिस्टमेटिकली सबको मिल जाए। तो ये कमिटी है जो काम कर रही है। तो कंपनसेशन कमिटी या तो अलग से बना लो, या तो इसी नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी को ही कंपनसेशन कमिटी का काम दे दो। बात समझ में आ रही है? यही देखेंगे क्यों? क्योंकि ये भी तो एम्प्लॉय से डील कर रहा है ना, ये भी तो एम्प्लॉय के फायदे के लिए काम कर रहा है। तो यही रेम्यूनरेशन कमिटी ही ये काम आगे कैरी फॉरवर्ड करेगी। फॉर सच एक्सटेंशन सेकेंड, इनके एक बार परमिशन ले लो, फिर ये आपको कह देंगे ठीक है नेक्स्ट ईयर बिकवा देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस एक बार इनके जहन में आ जाना चाहिए, इनके अप्रूवल ले लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 12 क्या बोलता है? जिया, पॉइंट नंबर 12 बताओ क्या बोलता है? बहुत सारी बातें करी एक्चुअल में इसने। एक बात क्या बोली? अनअप्रोप्रिएट को अप्रोप्रिएट करना, ये बताओ। हाँ, फिर अगर नेक्स्ट ईयर, पलक नेक्स्ट ईयर इनकी परमिशन लेनी पड़ी, या तो कंपनसेशन कमिटी की या तो। समझ में आ गया? 13, ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड दीज शेयर्स सेकेंडरी मार्केट। अब इन्होंने क्या बोला था? एक बार में मत खरीदना, एक साल में कितना खरीदना, कितना परसेंट? 2%। लेकिन कभी भी कितने भी साल हो जाए, कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 5%, 5% से ज्यादा नहीं, ये बोला था पक्का? चलो, इन्होंने बोला कि भाई बहुत ज्यादा लेट भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 3 साल खत्म होने में अभी एम्प्लॉय आने ही वाला है, 3 साल अभी खत्म होने वाले, आज 3 साल खत्म होने वाले, तो क्या अभी भी खरीदते रहोगे? इन्होंने कहा प्लीज एटलीस्ट 6 महीने पहले तक की तो होल्डिंग होनी चाहिए। आप अपना पूरा शेयर खरीद के बैठे रहो 6 महीने तक का। ट्रस्ट शेल रिक्वायर्ड टू होल्ड दी शेयर्स एक्वायर्ड थ्रू दी सेकेंडरी मार्केट फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अपना पूरा काम खत्म करके रखो, 6 मंथ का गैप होना चाहिए जब एम्प्लॉय आएंगे। एक्सेप्ट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसमें हम 6 महीने वाला गैप छोड़ देंगे। वो सर्कमस्टांसेस इन्यूमरेटेड इन दीज रेगुलेशन, इन्होंने वो एक्सेप्शनल केस बता के रखा है कि अगर आपने खरीदा कहाँ से बच्चा? वेदर ऑफ मार्केट और द प्लेटफॉर्म ऑफ द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। कुछ केसेस हैं जिन्होंने बोल रखा है अगर आपने एक्सेप्शनल केसेस में ऑफ मार्केट से खरीदा तो भी हम चला देंगे, या फिर आपने कहाँ से खरीदा है? स्टॉक एक्सचेंज मतलब ऑनलाइन मार्केट, ऑफ मार्केट ऑनलाइन मार्केट में आपने अगर अभी जस्ट खरीदा जिसमें 6 महीने का गैप नहीं, हम चला लेंगे। ये सीधा पॉइंट उन्होंने 14 में बता के रखा है, ये कौन से केसेस है जिसमें हम चला लेंगे वापस। 13 पॉइंट कंप्लीट नहीं है, 13, 14, 15 तीनों कनेक्टेड है, 13, 14, 15 तीनों कनेक्टेड है। वापस 13 क्या बोल रहा है? ट्रस्ट शेयर्स खरीद के रख ले 6 महीने पहले तक, ताकि जब एम्प्लॉय लेने आए ये ऑप्शन तो उसकी होल्डिंग चेक की जाएगी कि कब खरीदा था, 6 महीने तक की उसकी होल्डिंग होनी चाहिए। अभी मुझे 2 ही महीने हुए हैं खरीदे हुए और एम्प्लॉय का वेस्टिंग पीरियड खत्म होता है, वो एक्साइज करने आता है, तो भैया मुझे कितने महीने हुए? 2 महीने, 3 महीने हुए, ये तो गलत है। कम से कम ये सारे काम 6 महीने पहले तक हो जाने चाहिए। समझ में आए? तो सिंपल लैंग्वेज उन्होंने बोला है कि ट्रस्ट के पास शेयर्स की होल्डिंग मिनिमम 6 मंथ तक की होनी चाहिए। ये क्लियर है? चलिए, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में हम आपको अलाउ कर देंगे। वो एक्सेप्शनल केसेस ऑफ मार्केट भी और ऑन मार्केट भी है, ठीक है। 13 समझ में आया? अब वो ऑन मार्केट ऑफ मार्केट क्या है आ जाओ। 14, ट्रस्ट शेल बी परमिटेड टू अंडरटेक ऑफ मार्केट। ट्रस्ट ने बोले आप ऑफ मार्केट से शेयर्स खरीद सकते हो एक्सेप्शनल केसेस में, कोई दिक्कत नहीं, ओनली अंडर दी फॉलोइंग। ऑफ मार्केट मतलब ये सारे, ये क्या लिखा है? एम्प्लॉय स्कीम, जितनी भी स्कीम्स अभी पड़ी ना 4, पहला ESOP, दूसरा परचेज, एप्रिसिएशन, जनरल रिटायरमेंट। इन्होंने कहा कि भैया इन ऑफ मार्केट में अगर आपको स्कीम के तहत लेना पड़ता है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्कीम के तहत अगर आपको शेयर्स मिलते हैं तो ले लो, ठीक। दूसरा, वाइल एप्रिशिएट पार्टिसिपेटिंग इन ओपन मार्केट, ठीक है। अब रुको, ओपन मार्केट उन्होंने बोल दिया, ओपन मार्केट मतलब ऑनलाइन मार्केट, ठीक है। इन्होंने कहा, सॉरी, ओपन ऑफर है मार्केट में, ओपन ऑफर है, समझना। यहाँ सबसे पहले एक टर्म लिखा है, वो क्या लिखा है? टेक ओवर। टेक ओवर एक पूरा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे टेक ओवर बोल दिया तो थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, इंट्रोडक्शन अच्छे से समझना। मैं रिलायंस कंपनी को खरीदने जा रही हूँ। आईटेक्स कंपनी किसको खरीदने जा रहा है? रिलायंस कंपनी को। मैं जाती हूँ मार्केट में, स्टॉक मार्केट में,
एक एक शोल्डर को अच्छा बड़ा बड़ा लालच देती हूँ कि भाई तेरे एक शेयर की वैल्यू 10,000, मैं 20,000 दूंगी, दे दो मुझे 1%, 2%, 3%, 4%, ऐसे खरीद खरीद के मैंने कितना कर लिया बच्चा अपने, 30% कर लिया, 40 कर दिया, 50 कर लिया, जहां मैंने 51 कर लिया, इसका मतलब क्या है बताओ जरा, ओनरशिप आ गई ना, रिलायंस अंबानी के हाथ से गया, मेरे पास आ गया, रातों रात मैं मालिक बन गई, क्यों, मैंने बस लालच दिया उसको। अब इतने जो इन्वेस्टर बैठे थे, किसका फेस देखकर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, अंबानी का, मुझे तो वो जानते भी नहीं, अंबानी के बिजनेस आइडियाज में भरोसा करते हैं ना वो, इस कारण से इतना पैसा लगा रहे थे। जैसे ही देखेंगे कि भैया ये तो किस पिंकी ने, किसी आईटेक्स ने खरीद लिया है भाई, ये कौन है, हम तो इसे जानते भी नहीं, तो मार्केट तो पूरा नीचे गिर जाएगा ना उसका। तो इस टाइप के टेक ओवर को सेबी अलाउ नहीं करती। सेबी साफ बोलता है ऐसे ही कोई रातों रात 51% शेयर की होल्डिंग कर लेगा और वो मालिक बन जाएगा, ये अलाउड नहीं है। टेक ओवर करने के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं डिटेल में पढ़ेंगे। एक रूल बता रहे, एक रूल बोलता है जैसे ही अगर आप 25% खरीदोगे, आपको जनता के सामने बोलना पड़ेगा कि मेरे पास 25% तक की शेयर होल्डिंग आ गई है और मैं इंटरेस्टेड हूँ और शेयर्स खरीद में, क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 51% की होल्डिंग चाहिए, मुझे ओनर बनना है, ये जनता के सामने। हाँ, ये अभी एक बता रही हूँ, होता बहुत सारा है और चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी, अभी मैं एक बता रही हूँ, मैं जनता के सामने आऊंगी और ओपन ऑफर दूंगी, ओपन चैलेंज दे रही हूँ एक तरीके से, किसको, रिलायंस कंपनी को, कि तुम्हारी 51% शेयर होल्डिंग मैं खरीदूंगी। अब वो कान भरना चालू करेगा, मत बेचना मत बेचना, वो बात अलग है, लेकिन मैं तो लालच दूंगी ना कि आओ मुझे अपने शेयर्स बेचो, मैं मालिक बनना चाहता हूँ। अब जनता थोड़ा सा जब शेयर्स बेचेगी तो थोड़ा सोच समझ के बेचेगी, अभी तक तो बस वो लालच में बेच रही थी, जब मैं ओपनली सबके सामने आ जाती हूँ तो थोड़ा सोच समझ के। तो सेबी यही चाहता है कि भाई आप पे अगर कोई भरोसा कर रहा है तो बेच रहा है ना, तो फिर ठीक है, लेकिन अभी आप छुपके छुपके से प्लानिंग थी बेचने की, किसी को पता ही नहीं चल रहा है, मैं तो पूरा खरीदना चाहती थी, क्या किसी को पता चल रहा था क्या, नहीं, स्टॉक मार्केट में तो कितने सारे शेयर होल्डर होते हैं, किसी को क्या पता इसने कितने से खरीदे, मुझसे तो मेरा 2% खरीदा, लेकिन सबका इकट्ठा करके 25। तो लॉ बोलता है, सेबी का लॉ बोलता है, जिस दिन 25% आपने खरीद लिया उस दिन आपको ओपनली ऑफर देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने 25% खरीद लिया, मैंने ओपन ऑफर दिया और ये ओपन ऑफर में ट्रस्ट बैठा है, कंपनी तो बिकने वाली है ना, रिलायंस ने अपना एक ट्रस्ट बना के रखा था, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके पास शेयर्स रखे हुए थे, ये क्या कर देता है बच्चा, बेच देता है, ये क्या कर देता है, अच्छा मिल रहा है ना रेट, तो ये बेच देता, कंपनी तो बिकने वाली है, तो ये एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें अलाउ कर दिया जाएगा, क्या ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि वही मैं कह रही हूँ, अब कंपनी की ये एक्सेप्शनल केसेस अलाउ है, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन क्या बोलते हैं, आपको संभाल के रखना है, लेकिन इस बीच अगर कंपनी के कैसे लुहावने, ऐसे लालच अट्रैक्ट करने वाले अगर कोई ऑप्शंस आते हैं, बिल्कुल नहीं है ना, तो अलाउड है ना, ये तो मैं कह रही हूँ, जब वो खरीद रहा था तब भी तो ओनर नहीं था ना, तो खरीदना और बेचना उसको अलाउ कर रखा है इन एक्सेप्शनल केसेस में, यही हम पढ़ रहे हैं। वापस हमने क्या पढ़ा, 6 महीने तक अपने पास रखो, यही था ना, 6 महीने तक अपने पास रखो, एक्सेप्ट, नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा, ऑफ मार्केट और ये यहाँ कब, ये अभी पहला एग्जाम्पल, रुक जाओ, टेक ओवर में अगर कोई ऑफर देता है उस ऑफर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये अलाउड है। हमने क्या बोला, तुम मालिक नहीं हो, तुम वोट नहीं कर सकते, तुम डिविडेंड नहीं ले सकते, लेकिन ये कर सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या पता, मैं 51% लेने आई हूँ, पूरे 100% लोग मुझे बेच दे, तो कंपनी तो अब मेरी होने वाली है ना, अब जब कंपनी मेरे पास होने वाली तो फिर उसके नए रूल्स रेगुलेशन होंगे, एम्प्लॉय के हम नए रूल्स रेगुलेशन लगाएंगे, समझ में आया क्या, ये एक एग्जाम्पल। दूसरा क्या लिखा है, बाय बैक, बाय बैक का मतलब बताओ क्या होता है, कंपनी ही खुद कह रही है कि हम बाय बैक लेकर आ रहे हैं, कंपनी ने अपना ट्रस्ट बनाया था, बोला था रखो शेयर्स, इन 3 सालों में तो कुछ भी हो सकता है ना, 3 साल एक अच्छा बड़ा गैप है बच्चा, पहले साल में हमें लगा कि यार इस एम्प्लॉय को रोकने के लिए ये स्टेप लेना चाहिए, अगले साल लगा भैया हमें ना मार्केट में जितने शेयर्स हैं ना वापस लेने, तो कंपनी की प्लानिंग चेंज। तो अगर कंपनी बायबैक कर रही है और कंपनी खुद खरीद रही है तो ट्रस्ट उसमें क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, समझ में आया। नेक्स्ट, डीलिस्टिंग, डीलिस्टिंग मतलब पहले मैं लिस्ट थी, इतने कंप्लाइंसेस, इतने कंप्लाइंसेस, बाबा मुझे नहीं लिस्ट होना, मैं अपने आप को डीलिस्ट कर रही हूँ, अगर मैं डीलिस्ट कर रही हूँ तो बच्चा मार्केट में ना तुम लोगों ने पैसा लगाया था, लिस्टेड था, लिस्टेड कंपनी भैया बहुत अच्छी कंपनी होती है, गुडविल होती है उसकी अच्छी खासी, अगर मैं डीलिस्ट हो रही हूँ, लिस्ट होने में आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती थी, जैसे ही पता चला मार्केट में मैं डीलिस्ट हो रही हूँ, सारे इन्वेस्टर क्या चाहते हैं, हमें हमारा पैसा वापस करो, लिस्ट थे इसलिए हमने पैसा लगाया था, डीलिस्ट हो रहे हो तो हमें हमारा पैसा वापस चाहिए,
तो डीलिस्ट जब होता है तो सेबी क्या बोलता है, आपको क्या देना पड़ेगा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। मैं लिस्टेड हूं, मैंने आज तुम्हें अनाउंस किया शेयर होल्डर की मीटिंग में, मैं डीलिस्ट होना चाहती हूँ। सारे शेयर होल्डर कहेंगे हमें हमारा पैसा दे दो वापस। सेबी बोलती है जितने लोग बोलेंगे ना कि हमें हमारा पैसा वापस दे दो, आपको तुरंत देना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं एग्जिट ऑफर देना, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। कुछ शेयर होल्डर बोलेंगे नहीं दीदी, आप जहां जाओगे हम भी आपके साथ साथ जाएंगे, तो वो डीलिस्टिंग में साथ में चलेंगे। तो ये मर्जी है, एग्जिट ऑफर दिया जाता है, सामने वाला शेयर होल्डर अगर देना चाहता है तो दे। तो इसमें ट्रस्ट पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसे जितने भी एग्जिट ऑफर होते हैं उन सब। तो इन शॉर्ट हम पढ़ क्या रहे हैं, 13, 14 कनेक्टेड। 13 बोलता है ट्रस्ट तुम्हें मिनिमम 6 महीने तक की तो होल्डिंग रखनी चाहिए, लेकिन इस बीच अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जिसमें आपको खरीदना बेचना पड़ता है तो हाँ हम आपको अलाउ करें। क्या क्या अलाउ कर रहे हैं, पहला स्कीम के तहत खरीदना बेचना पड़ रहा है अलाउड है, दूसरा टेक ओवर में ओपन ऑफर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, बायबैक में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और डीलिस्टिंग में आप कर सकते हो। डीलिस्टिंग में भी आपको एग्जिट ऑफर देना पड़ता है। ऐसे जिन जिन सर्कमस्टांसेस में आपको एग्जिट ऑफर देना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी कि कंपनी कोई एक्शन ले रही होगी। फॉर एक और एग्जांपल बता रही हूँ, मेरी कंपनी का प्रोस्पेक्टस था, उस प्रोस्पेक्टस में लिखा था मैं एक ये रोड रोड बाईपास ये सब बना रही हूँ, इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे पैसे चाहिए। तो आपने कहा हाँ इसमें बहुत पैसा है, मुझे आपने इन्वेस्टमेंट दे दिया। मैंने अपने प्रपोजल को चेंज किया, मैंने कहा अब ये इस पैसे से मैं एक नदी बनाने जा रही हूँ, लेक बनाने जा रही हूँ। तो मैंने अपना ऑब्जेक्ट चेंज किया, तुमने पैसा क्यों लगाया था रोड बनाने के हिसाब से, तुम्हें लगा था कि भैया इसमें ज्यादा रिटर्न आएगा। मैंने ऑब्जेक्ट क्या किया, अब नदी बनाऊंगी रिवर बनाऊंगी ये कर रही हूँ मैं, तो तुमने कहा मुझे मेरा पैसा वापस है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, एग्जिट ऑफर। इन्होंने कहा ऐसे जिन जिन सिचुएशन है जिसमें एग्जिट ऑफर देना पड़ेगा और ट्रस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। समझ में आया, कंटिन्यू। ट्रस्ट नॉट बिकम अ मैकेनिज्म ऑफ द ट्रेडिंग, ट्रस्ट के पास रखा शेयर कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। ट्रस्ट के पास शेयर्स रखा है किसी पर्पस से, क्या है पर्पस, स्कीम। ट्रस्ट इन सारी जगहों पे पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रेडिंग कर रहा है। ट्रेडिंग कर रहा है क्या, वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा है। तो इन्होंने यही साफ साफ लिखा है कि ट्रस्ट इज नॉट बिकम अ मैकेनिज्म फॉर अ ट्रेडिंग, एक्सेप्ट वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता, खरीदना बेचना नहीं करेगा। ट्रस्ट क्या नहीं करेगा, खरीदना बेचना नहीं करेगा, एक्सेप्ट ये कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, पहला इसॉस, इसॉस क्या है, इसॉप की स्कीम क्या कर सकता है, सार क्या था, एप्रिसिएशन राइट, कुछ सुना सुना सा लग रहा है। ये डी और ई क्या था, जनरल रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है आऊंगी। बायबैक क्या है, वापस। डीलिस्टिंग क्या है, एग्जिट ऑफर क्या है, जो अभी पढ़ाया, ठीक है हम पढ़ क्या रहे वापस। ट्रस्ट एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां वो शेयर खरीदेगा बेचेगा, लेकिन इन सिचुएशन में वो शेयर्स ले भी सकता है और दे भी सकता है वापस। ये स्टॉक मार्केट नहीं है हमेशा खरीदेगा बेचेगा, वो वैसा नहीं है। ये कह रहा है कि ये एक ट्रस्ट है, इन एक्सेप्शनल केसेस में ये शेयर्स ले भी सकता है और दे भी सकता है। इस शॉप में क्या करता है, शेयर्स ले रहा है और एम्प्लॉयज को दे रहा है, तो यही मान लिया जाएगा कि ये ट्रेडिंग कर रहा है, ये ट्रेडिंग थोड़ी ना कर रहा है। ये स्कीम के तहत शेयर्स को खरीद के बैठा था सेकेंडरी मार्केट से, और स्कीम के तहत एक्साइज करने देता है, ये भी स्कीम के तहत हो रहा है। रिटायरमेंट जनरल बेनिफिट भी स्कीम के तहत हो रहा है। बस ध्यान रहे ट्रस्टी रिकॉर्ड मेंटेन करे कि किस किस रीजन से ये क्या दे रहा है, शेयर्स को बेच रहा है या ले रहा है, रीजंस बस मेंटेन करके रखना। सेल ऑफ द शेयर यूटिलाइज किस पर्पस के लिए हो रहा है, स्कीम में लिखा है उसी पर्पस के लिए यूज करना वापस। ट्रस्ट एक प्लेटफॉर्म नहीं है जो शेयर्स को खरीदेगा बेचेगा, लेकिन इन सिचुएशन में उसे खरीदना भी अलाउड है और बेचना भी अलाउड है। ट्रस्टी बस रीजन लिखते रहना कब कब किस किस सिचुएशन में खरीद बेच रहे हो, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन रहे। बायबैक में दे सकता है, बेच ही रहा था ना, क्योंकि कंपनी ने ऑफर किया था। डीलिस्टिंग में ये हो रहा था, एग्जिट ऑफर में भी हो रहा था। डी तक कोई दिक्कत तो नहीं, रिटर्न कर रहा था। ट्रस्ट के पास शेयर्स रखा है, आईटीएस कंपनी का ट्रस्ट। आईटीएस क्या कह रही है, मैं अपने शेयर्स वापस लेना चाहता हूँ। तो ट्रस्ट कह रहा है कि मेरे पास तो शेयर्स रखे, तो ट्रस्ट वो सेल कर रहा है, बेच रहा है किसको, कंपनी को। क्लियर है बच्चा, पक्का आ जाओ। डी तक कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आगे। ई पॉइंट, रिपेइंग द लोन। इसने एक लोन लिया था किससे, कंपनी से, उधार में शेयर्स लिए थे ना। रिपेइंग द लोन इफ क्या लिखा है, अनएप्रोप्रिएट इन्वेंट्री ऑफ द शेयर, मतलब जो एक्साइज नहीं किए भैया शेयर्स रह गए, जो आगे भी क्या नहीं हुए, नॉट अप्रोप्रिएट विद इन द टाइमलाइन, तो भैया लोन तो रिपे करना ही है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि शेयर वापस रिटर्न कर देगा,
उधारी के जो शेयर्स थे वो शेयर्स के फॉर्म में रिटर्न कर देगा। हम पढ़ रहे हैं उसके पास रखा शेयर्स का वो लेना देना कर रहा है, कब देना कर रहा है, जब अनअप्रोप्रिएट शेयर मार्केट में वो बेच ही नहीं पाया, तो लोन रिपे करना है उसे, तो लोन की जगह फिर वो क्या देगा, शेयर्स रिटर्न कर देगा कंपनी को। समझ में आया? नेक्स्ट, स्कीम ही खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? मैं रिलायंस कंपनी के लिए लेकर आई थी एक ओपन ऑफर टेक ओवर करने का, पूरा पूरा मैंने टेक ओवर कर लिया, मेरी हो गई, ठीक है, स्कीम का टाइम खत्म हो गया, जो भी स्कीम आपकी खत्म हो गई, इन शॉर्ट रीजंस मैंने बताए, भैया टेक ओवर हो गया, जो भी एक्स वाई जेड रीजन। बेस्ड ऑन दी अप्रूवल ग्रांट बाय दी बोर्ड, यहाँ जहाँ कहीं भी इस चैप्टर में बोर्ड आएगा, बोर्ड मतलब सेबी बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, सेबी बोर्ड। बेस्ड ऑन दी अप्रूवल ग्रांटेड बाय दी बोर्ड ऑन दी एप्लीकेंट, ठीक है, ऑन द पेमेंट ऑफ दी, ये क्या लिखा है, नॉन रिफंडेबल फीस जो कि 1 लाख तक की हो सकती है, क्या है ये, 1 लाख की फीस देनी पड़ेगी किसको, बोर्ड को। ग्रांट अप्रूवल बाय द बोर्ड टू एन एप्लीकेंट फॉर द रीजन रिकॉर्ड इन राइटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्कीम कवर्ड। पार्ट ए में कौन सी स्कीम थी, इसॉप, बी में क्या थी, परचेज, सी में क्या थी, एप्रिसिएशन राइट, चैप्टर ऑफ दीज रेगुलेशन अपॉन पेमेंट। आप सेबी से अप्रूवल लेने जाओगे, कोई भी चीज पूछ रहे हो आप, लेकिन उसके लिए जब सेबी के पास जाते हो तो फ्री फोकट में नहीं जाते हो, फॉर्म के साथ लगती है आपकी फीस, और ये फीस कितनी होगी, 1 लाख, जो आपको रिटर्न होने वाली नहीं है, बोर्ड को दे दो, अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन बाय वे ऑफ द क्रेडिट बैंक इन द बैंक अकाउंट, NEFT, RTGS, ये सारे मोड है जिससे आप यूज करोगे, एनी अदर अलाउड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, वापस ये ABCD जो पॉइंट्स आए थे, 15, ट्रस्ट एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, हेंस शेल नॉट सेल शेयर्स इन द सेकेंडरी मार्केट, ये सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स नहीं बेचेगा, ठीक है, लेकिन इन सारे सर्कमस्टांसेस में वो दे देगा। समझ में आया? सेबी से कुछ भी एक्स वाई जेड उसका रीजन है जिस कारण से उसे बेचना पड़ रहा है, तो सेबी से एक बार एप्लीकेशन देके अप्रूवल ले लो कि इस रीजन के साथ हम बेच रहे हैं विथ फीस, तो हाँ सेबी भी अलाउ कर देगा बेचना। क्लियर है? लास्ट 16 पॉइंट, ट्रस्ट टू मेक डिस्क्लोजर एंड कंप्लाई दी सेबी ने जितनी भी बातें बोल रखी है, किसमें, सेबी का क्या प्रोहिबिशन इनसाइडर ट्रेडिंग, ट्रस्ट बस ध्यान रखे क्योंकि शेयर तो हमारे पास है, तो कुछ भी इनसाइडर ट्रेडिंग वाले हरकत नहीं होनी चाहिए, तो उसके सारे रूल्स रेगुलेशन कंप्लाई करो और डिस्क्लोजर, तो हाँ आपने पूरे कंप्लाइंस कर रखे। ये थे पूरे 16 पॉइंट, फटाफट शॉर्ट में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या था, मीटिंग में डिसाइड कर लो, क्या डिसाइड कर लो, सॉब लेके आ रहे हैं और इसी में डिसाइड कर लो कि ट्रस्ट के फॉर्म में ला रहे हैं। अगर तुम सेकेंडरी मार्केट में एक्विजिशन करने का सोच रहे हो, ठीक है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ट्रस्ट के थ्रू जाने के अलावा, या फिर गिफ्ट देने का सोच रहे हो तो भी ये, या फिर बोथ। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, सिंगल ट्रस्ट बहुत सारे स्कीम मेंटेन, स्कीम मैनेज कर सकता है, बस मेंटेन करो। थर्ड, ट्रस्ट डेट, सारी डिटेल्स लिख लेने का जो पार्ट ए में दे रखी, मतलब इस सॉब की बात कर रहा है, पूरी टर्म्स एंड कंडीशन बताइए। फोर्थ पॉइंट, ट्रस्टी अपॉइंट, कौन कौन हो सकता है, कौन कौन नहीं, कौन नहीं हो सकता, नॉर्मल कंपनी, ग्रुप कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी, एसोसिएट, सबको, ठीक है, वेरी गुड। कौन बन सकता है, इंडिविजुअल, ओपीसी, कंपनी, इंडिविजुअल बनेगी तो ओपीसी, कंपनी। फिफ्थ पॉइंट, शेयर पर फॉर्मेलिटी के लिए रखा है, वोट वगैरह का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। सिक्स पॉइंट क्या बोलता है, जहां जहां जो जो अप्रूवल लगेगी शोल्डर की, तो ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी रिक्वेस्ट अप्रूवल मिल जानी चाहिए, डेरिवेटिव में डील नहीं करेगी क्योंकि ये डिलीवरी में डील नहीं करती है। एट पॉइंट क्या बोलता है, कंपनी उधार देती है, चाहे वो नए शेयर वाले थ्रू से जाए, चाहे वो सेकेंडरी मार्केट से जाए। नाइन पॉइंट क्या बोलता, जब आप स्टॉक एक्सचेंज को बताओगे तो किस कैटेगरी में इसे डालोगे, नॉन प्रमोटर, नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। 10 पॉइंट क्या बोलता है, सेकेंडरी मार्केट से लेने जाना है तो मैक्सिमम 2% 1 साल, लेकिन कभी भी ये बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन डिपेंड कौन सी स्कीम, अगर स्कीम सी है तो क्या लिमिट है मेरी, सी सी सी, कभी भी, कभी भी टोटल है ना, कभी भी 5% ज्यादा नहीं। अगर स्कीम डी है तो 2%, कभी भी 2% नहीं, दोनों मिक्स है सी और डी का 5% से। 12 क्या बोलता है बच्चों, बच गया अगर कुछ प्लीज बेच दो उसे, उसी साल में नेक्स्ट ईयर जाते हो तो पूछना पड़ेगा रेमुनरेशन कमिटी, ठीक है। 13 क्या बोलता है, 6 महीने तक होल्ड करके रखो, एक्सेप्शनल केसेस में हम आपको दे देंगे,
इस कारण से अगर आपका अप डाउन हुआ है, वो कारण क्या है? ऑफ मार्केट वाले स्कीम के तहत जा रहे हो या फिर ओपन ऑफर, ये सब 15 पॉइंट भी उसी को इलेबोरेट किया। स्कीम का नाम बता दिया है, ए वाला पॉइंट क्या है स्कीम का नाम, बी और सी क्या है स्कीम के नाम, और फिर डी क्या है, फिर वो इलेबोरेट किया है। ठीक है, चलो फाइनली 16 पॉइंट क्या बोलता है, वेरी गुड, डिस्क्लोजर दे दो, हमने इनसाइडर ट्रेडिंग की कोई गलत हरकत नहीं करी है, सारे अच्छे से कंप्लाइंसेस किए। क्लियर है, पक्का समझ में आ गया? सबसे टफ चीज आपने कंप्लीट कर लिया, अब इस चैप्टर में सब चिल्लर चिल्लर बचा है, जनरल बातें, चुप ना लाइक। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एम्प्लॉय शेल बी एलिजिबल पार्टिसिपेट, कौन से एम्प्लॉय एलिजिबल है, जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन पढ़ी थी, कॉन्ट्रैक्ट करने वाले एम्प्लॉयज, इन्होंने कहा भैया वो एम्प्लॉय है जो एम्प्लॉय कौन डिसाइड करता है, कंपनसेशन कमेटी। आओ कंपनसेशन कमेटी क्या है, शॉर्ट में बता चुकी, कंपनसेशन कमेटी क्या है, पूरी स्कीम का कर्ता धरता, ठीक है, स्कीम का कर्ता धरता, यही डिसाइड करेगी किस एम्प्लॉय को देना चाहिए, यही टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेगी, कितने साल के होने चाहिए यही डिसाइड करेगी, कितना लॉक इन होने चाहिए यही डिसाइड, सब यही डिसाइड करेगी। ठीक है, आ जाओ, तो कंपनसेशन कमेटी कंपनी पहली फुर्सत में कंपनसेशन कमेटी बनाएगी, क्यों बनाएगी, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरिटेंडेंट्स ऑफ द स्कीम यही देखे, पहला पॉइंट क्लियर है, पूरा मैनेजमेंट यही देखेगी। कंपनसेशन कमेटी कौन है जो सेबी के एलओडीआर के रेगुलेशन 19 में दे रखी है, ध्यान रखना, आप चाहो तो ये काम किससे करवा सकते हो, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, ऊपर पढ़ भी लिया था हमने अभी पॉइंट्स में। ठीक है, कमेटी फॉर्मुलेट द डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दी स्कीम, ये कमेटी क्या करती है, सारी डिटेल में टर्म्स एंड कंडीशन यही डिसाइड करती है, यही करता धरता है ना। नेक्स्ट, कमेटी फ्रेम सुटेबल पॉलिसी प्रोसीजर टू एंश्योर देर इज अ नो वायोलेशन ऑफ द सिक्योरिटी लॉ, इन शॉर्ट अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, इन्होंने एक बात को ना अलग अलग तरीके से खींच कर बताइए, शॉर्ट में बोलूं तो कंपनसेशन कमेटी स्कीम का कर्ता धरता है, टर्म्स एंड कंडीशन ये डिसाइड करेगी, एम्प्लॉय कौन होगा ये डिसाइड करेगी, रेम्यूनरेशन कमेटी नॉमिनेशन ये कमेटी को आप ये काम दे सकते हो, ध्यान रखे कोई वॉलेशन ना हो, यही बात लिखी है। क्या लिखा है ऊपर, हमने जब पॉइंट्स पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था कि शेयरहोल्डर की रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट अप्रूवल ट्रस्ट, ध्यान रखे कि भैया सही से टाइम पे ले ले, आ जाओ, शेयरहोल्डर की जो अप्रूवल लगती है वो ओआर लगती है कि एसआर लगती है, एसआर मतलब 75% की हाँ चाहिए, लेकिन जब एसआर पास करेंगे तो साथ में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता है जो एनेक्स होगा, व्हाट डू मीन बाय एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बताओ, वेरी गुड, आज मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, मुझे इस सब लेके आना है, तो घर में पहले ही मैं आपके 21 दिन पहले नोटिस भिजवा चुकी हूँ, घर में आपके नोटिस गया था और साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जिसमें लिखा था कि हम इस मीटिंग में डिस्कस करने वाले कि हमें एम्प्लॉयज को देना है, कितने एम्प्लॉयज को देना चाहती हूँ, कौन से एम्प्लॉयज को देना चाहती हूँ, ये सब आपके घर में पहुँचा दिया है, तुम घर से पढ़कर आए हो, यहाँ मीटिंग में ना वोट करना है और अगर कोई डाउट हो तो वो पूछना है, यहाँ पूरा ना बताया नहीं जाएगी कहानी, कहानी तो घर भेज चुके हैं ना तुम्हारी, पढ़कर आओ, अगर कहानी बताने में लग गए तो सोचो ना यही रात हो जाएगी, फिर मीटिंग तो खिंच जाएगी, इसलिए पढ़कर आओ, सीधा यहाँ पे वोट देने का, कोई डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हो। ठीक, चलो, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एक तरीके का नोटिस के साथ चिपकाया हुआ एक्स्ट्रा एनेक्स होता है जिसमें सारी डिटेलिंग आपके घर में भिजवा दी जाती है और आप यहाँ पे आके बस वोट करते हो। इन्होंने कहा कि नीचे कुछ पांच चार केसेस दे रखे, ये चार केसेस दिख रहे, 1 2 3 4, इन चार केसेस में जब आप डिस्कशन करोगे तो ध्यान रखना सेपरेट रेजोल्यूशन पास होना, व्हाट डू मीन बाय सेपरेट रेजोल्यूशन समझाओ, अलग अलग, ये चार बातें मतलब चार बार रेजोल्यूशन पास करना है। चलो पहली बात क्या लिखा है, सेकेंडरी एक्विजिशन कहाँ है, ट्रस्ट के थ्रू जा रहे हो, सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहे हो, सेकेंडरी एक्विजिशन मतलब सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स खरीदना। ठीक है, चलो, अगर सेकेंडरी एक्विजिशन इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम में जा रहे हो तो सच अप्रूवल मेंशन द परसेंटेज ऑफ द सेकेंडरी एक्विजिशन। आप इस मीटिंग में आओ, आपने एसआर पास किया, हम ESOP देना चाहते हैं, समझ में आ गया, अब इस ESOP में ये डिस्कस कर रहे हो कि हम ट्रस्ट के थ्रू जा रहे हैं, ये तो हो गया, अब मुझे क्या डिस्कस करना है, परसेंटेज, मैं एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम कितना ले सकती हूँ, एक फाइनेंशियल ईयर में 2%, ओवरऑल 5 है ना, अब मैं इस साल कितना लेने का सोच रही हूँ, 2 ले रही हूँ तो 2 बता दो, 1 ले रही हूँ 1, 1.5 ले रही हूँ 1.5, मतलब सच अप्रूवल मेंशन द परसेंटेज ऑफ द सेकेंडरी एक्विजिशन सब्जेक्ट टू लिमिट, लिमिट का ध्यान रखना, उसको क्रॉस नहीं करना। तो इन शॉर्ट आपको इसके लिए अलग से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मैंने कहा कितने लोग इंटरेस्टेड है कि मैं ESOP लेके आने वाली हूँ और ट्रस्ट के रूट से, 75% लोगों ने हाँ बोल दिया,
ठीक है, 75% ने ऐसे हाथ रेस किया और हाँ बोल दिया। अब मैं कह रही हूँ कि चलो अब दोबारा से वोटिंग करनी है, लेकिन इस वोटिंग में क्या डिस्कस करने वाली हूँ, कितना परसेंट मैं उठाने वाली हूँ, तो इसके लिए वोटिंग होगी अलग से सेपरेट। बात समझ में आ रही है? मैं कह रही हूँ कितने लोग कह रहे 1.5 ले ले, कितने लोग कह रहे 2%, कितने लोग बोल रहे 1%, तो ऐसे वोटिंग मैं करवाऊँ, ठीक है? तो पहला पॉइंट बोल रहा है इसके लिए सेपरेट बस वोटिंग करवानी है, क्लियर है पहला। दूसरा, सेकेंडरी एक्विजिशन अगर आप बढ़ा रहे हो, नेक्स्ट मीटिंग में हम आते हैं और हम कह रहे हैं कि भैया 1.5 लिया था हमने, अगर 2 लिया था तो 2 को तो बढ़ा सकते नहीं हो, 2 तो वैसे ही मैक्सिमम है, ठीक है? अब मैं कह रही हूँ कि मैंने 1 बोला था तो 1 को तो स्कोप है ना बढ़ने का, 1.5। अगर आप सेकेंडरी एक्विजिशन के थ्रू एक्सपेंड करें अपनी लिमिट, लेकिन ध्यान रखना कभी भी आपकी लिमिट ओवरऑल साल में 5% ज़्यादा नहीं, एक्सपेंड कर सकते हो कर सकते हो, ठीक है? पहला, पहली बार परसेंटेज डिसाइड करना है, वोट करवाओ, वोट को क्या कर, सॉरी लिमिट को क्या कर रहे हो, एक्सटेंड करना है, फिर से वोट कराओ, मतलब बात बात में आपको वोट कराते रहना है। नेक्स्ट, ग्रांट ऑप्शन, ऑप्शन मतलब ईसॉप, ग्रांट ऑफ ऑप्शन बोल दिया, ऑप्शन जहां बोल दिया ईसॉप की बात हो रही है, फिर क्या है, एप्रिसिएशन शेयर अदर बेनिफिट, फिर बोल दिया उन्होंने। एम्प्लॉई क्या लिखा है, सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी, आईटेक्स कंपनी की सब्सिडी है एक्स वाई जेड, आईटेक्स कंपनी ईसॉप लेकर आ रहा है, हम आप सारे एम्प्लॉयज को दे रहे हैं आईटेक्स कंपनी के एम्प्लॉयज को, सबने रेजोल्यूशन पास किया। अब मैं कह रही हूँ मैं अपनी सब्सिडी कंपनी के एम्प्लॉयज को भी देना चाहती हूँ, इसके लिए अलग से रेजोल्यूशन करवाओ, अलग से वोट करवाओ, बात समझ में आ रही है? तो पहली बार वोटिंग इस कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए और दूसरी वोटिंग सब्सिडी के लिए, होल्डिंग के लिए, या तो सब्सिडी होल्डिंग के लिए आ रहे, होल्डिंग सब्सिडी के लिए आ रहा है, वाइस वर्सा, ठीक है? ग्रांट ऑप्शन सार शेयर बेनिफिट, ये कुछ आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयज है, समझो। अभी आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयज मतलब कुछ एम्प्लॉयज है जो थोड़ी कंपनी के हाईलाइटर है, ये जो हाईलाइटर है इनको हम पहले से बेनिफिट दे चुके हैं। आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयज से मतलब वो एम्प्लॉयज ड्यूरिंग एनी 1 ईयर इक्वल टू या एक्सीडिंग 1% ऑफ द इशूड कैपिटल, इनके पास शेयर होल्डिंग है 1% से ज्यादा के। आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयज वो एम्प्लॉयज है जिनके पास शेयर होल्डिंग कितनी है 1% या 1% से ज्यादा के। अब हम आज इस ऑप लेके आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आस्था और श्रेंच इनके पास 1% तक की शेयर होल्डिंग है, दोनों पास 2-2% है। आज मैं इस ऑप लेकर आ रही हूँ, जब इस ऑप की एम्प्लॉय की लिस्ट चेक करी तो इसमें दूसरे भी एम्प्लॉयज थे और ये लोग भी थे। अगर आपका जो ईसॉप स्कीम है आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयज के लिए आ रहा है तो इसके लिए अलग से एसआर पास कराओ कि भाई इनको फिर से क्यों मिल रहा है, ये लोग इतना हाईलाइट क्यों है, सारे मेंबर्स अग्री कर रहे हैं क्या, दे दें इनको, मतलब इनके लिए अलग से वोट करवाइए। बात समझ में आ रही है? तो इन शॉर्ट ये 4 हमने जो अलग अलग केसेस पढ़े, इन सारे अलग केसेस में सेपरेट वोट करवाना है। पहला क्या, लिमिट डिसाइड करनी है तो परसेंटेज डिसाइड करना है तो वोटिंग। दूसरा, लिमिट एक्सपेंड करना है तो वोटिंग। तीसरा, होल्डिंग को दे रहे हो या अपने अपने को दे रहे हो तो करवा रहे हो वोट, लेकिन अगर सब्सिडी तो उसके सेपरेट हो। और फाइनली क्या बोल रहा है, अगर कोई आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयज है इनके लिए अलग से, बाकी सारे एम्प्लॉयज के लिए एक साथ और इनके लिए अलग से, कितने लोग हाँ बोल रहे कि इनको भी दे दे, अगर ना बोल दिया ना शेयरहोल्डर ने तो इनको दे नहीं सकते, नहीं, ड्यूरिंग दी 1 ईयर इक्वल या एक्सीडिंग 1% ऑफ दी इशूड कैपिटल, एक्सीडिंग, ये कह रहे आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयज ड्यूरिंग एनी, इन्हीं 1 साल में अगर आप इनको 1 या 1 से ज्यादा दे रहे हो, हाँ 1 या 1 से ज्यादा दे रहे हो, ठीक है? एक्सक्लूडिंग, लेकिन जब ये कैलकुलेशन की जाएगी इस कैलकुलेशन में क्या नहीं किया जाएगा, आउटस्टैंडिंग वारंट, वारंट सुना सुना सा लग रहा है, पढ़ा था वारंट, वारंट क्या होता है, सिक्योरिटीज होती है जो आगे चल के ऑप्शन ही होती है, ठीक है? इस कैलकुलेशन में वारंट को कैलकुलेट मत करना, मतलब वारंट दिया है ना तो इसका 2-3-4% में कैलकुलेट मत करना, या फिर कोई भी चीज जो भी क्या हो रही है कन्वर्टेबल है, कन्वर्ट होकर किस में जाएगी, इक्विटी में, वारंट में भी इक्विटी में आता है, ठीक है? तो ये भी कैलकुलेट नहीं करना ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ ग्रांट, जब आपने ऑप्शन दिया उस ऑप्शन में हमें दिखता है इन 1 साल में आप इनको क्या दे रहे हो, 1 या 1 से ज्यादा हो रहा है इनका होल्डिंग, लेकिन कैलकुलेशन में ये काउंट ना करो, तो ये आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयज के लिए अलग से रेजोल्यूशन सेपरेटली पास करवाना पड़ेगा। बात समझ में आई? पक्का? कौन सी स्कीम, वही 5वीं स्कीम, हेडिंग समझो क्या लिखा है, वेरिएशन, मतलब वेरिएशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द स्कीम, स्कीम में टर्म्स एंड कंडीशन बदल रहे। खुद आप सोचो, आपने स्कीम लिखी और बोला हम ये फायदे देंगे, वोटिंग वगैरह सब हो गई है, अब जब इंप्लीमेंट करने की बारी आई तो टर्म्स एंड कंडीशन बदल रहे हो, बदल सकते हो हाँ, लेकिन हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, बता दूँ हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है,
अगर एम्प्लॉय आ गया एक्साइज करने और वो शेयर लेके चला गया, अब नहीं बदल सकते। जब तक एक्साइज नहीं है तो कर लो ना, ये बस ऐसे ही है। मैंने कुछ एक चीज तैयार रखी है, तुम्हें देने से पहले सारे चेंजेस कर सकती हूँ। एक बार दे दिया अब कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्या स्कीम के टर्म्स एंड कंडीशन वेरी हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, हमारी कंडीशन है। आ जाओ। अ कंपनी में सबसे पहले क्या करवाएगी? एसआर पास कराएगी। पहली स्कीम दिखा के आपने एसआर पास करी थी, अब आप चेंज कर रहे हो तो भैया फिर से एसआर पास करो। वेरी कर सकते हो टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन याद रखना टर्म्स एंड कंडीशन हमेशा फेवरेबल होने चाहिए। पहले आपने बोला था 10% देंगे, अब बोल रहे 8%, ये तो गलत है। 10 का 12 कर लो, 15 कर लो, 20 कर लो, ये तो गलत हो जाएगा। नहीं तो ठीक है, कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके स्कीम को वेरी करवा सकती है, ऑफर पर्सेंट टू अर्लियर रेजोल्यूशन। ठीक है, बट याद रखना नॉट येट एक्सरसाइज बाई द एम्प्लॉय। ध्यान रखो एम्प्लॉय ने लिया ना हो। ठीक है, और साथ में ये भी रखो, सच वेरिएशन इज नॉट प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। सिंपल लैंग्वेज में फेवरेबल होना चाहिए, नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। जो भी चेंज है चेंज अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, कंपनी वेरी कर सकता है टर्म्स ऑफ द स्कीम टू मीट दी रेगुलेटरी। हम टर्म्स एंड कंडीशन इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि कुछ रूल्स रेगुलेशन है, रेगुलेटरीज हैं जिन्होंने हमें ये चेंजेस करने को बोला है। विदाउट सीकिंग, फिर तो आपको क्या नहीं करना है, शेयरहोल्डर की भी अप्रूवल नहीं चाहिए। पहला, आप चेंज करना चाहते हो अपनी इच्छा से करना चाहते हो, हाँ शेयरहोल्डर की परमिशन ले लो, लेकिन भलाई वाली ही चीजें लिखना उसमें। दूसरा, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बोला है चेंजेस करने को तो इसलिए हम कर रहे हैं, तो शेयरहोल्डर से मत पूछिए, डायरेक्ट कर दीजिए। तीसरा, शेयरहोल्डर अप्रूवल शेल अप्लाई टू सच वेरिएशन ऑफ द टर्म्स दे मे अप्लाई फॉर द ओरिजिनल। शेयरहोल्डर की अप्रूवल तब लगती है जब आप ओरिजिनल, जो आपने ऑप्शन दिया था ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशन जो था उसे चेंज करने जा रहे हो। चेंज को चेंज कर रहे हो तो नहीं वापस। मैंने बोला ये मेरी स्कीम की 10 बातें हैं, ठीक है, इसे मैं चेंज करना चाहती हूँ, हाँ कर सकते हैं एसआर पास। चेंज करके मैं एक बात लिखने रहती हूँ, मैंने कहा नहीं 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 फिर से कट किया, फिर उसे ठीक कर रही हूँ। चेंज का चेंज, बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली बार जो चेंज किया उसके लिए बस पूछा, ओरिजिनल के लिए पूछना है। ओरिजिनल करके आपने मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफिकेशन का मॉडिफिकेशन के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। द नोटिस ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन वेरिएशन ऑफ द टर्म्स डिस्क्लोज फुल डिटेल। आप डिस्क्लोजर दे दो इसका कि आपने क्या क्या चेंजेस किया है, क्योंकि क्या सारी चीजें बताओ। कंपनी में क्या लिखा है, आप चाहो तो प्राइस इसकी चेंज कर सकते हो, लेकिन स्कीम वर आपने इसीलिए किया है क्योंकि, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एम्प्लॉयज जनता के लिए तो भैया ये 100 रुपये है, हम आपको थोड़े सस्ते में दे रहे हैं, 90 रुपीज में दे रहे हैं। ठीक है, चलो 95 में दे रहे हो, कितने में दे रहे हो, 95 में, तो जनता के कंपैरिजन तो सही है। मैं कह रही हूँ नहीं, मैं टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर रही हूँ, तो क्या मैं अब इसे 97 कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। 95 का 92 कर सकती हूँ, 90 कर सकती हूँ, लेकिन 97 नहीं। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि फेवरेबल होना चाहिए, जो भी चेंज हो वो एम्प्लॉय की भलाई वाला होना चाहिए। पहले तुमने बोला कि हाँ मार्केट में 5 रुपये सस्ता मिल जाएगा, अब बोलो नहीं 3 रुपये सस्ता मिलेगा, ये तो क्या है, गलत है। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चा? ड्यू टू जो भी मार्केट में अनअट्रैक्टिव था, रीप्राइजिंग नॉट डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। कुछ भी नुकसानदायक नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट फायदा होना चाहिए। अप्रूवल शेयरहोल्डर उस रिप्राइजिंग की ले लेना, शेयरहोल्डर से पूछ के प्राइस चेंज करो, लेकिन वो प्राइस और अच्छी होनी चाहिए, बुरी नहीं होनी चाहिए। डन बच्चा? नहीं। वाइंडिंग अप, स्कीम खत्म, स्कीम खत्म करो ना। क्या है स्कीम बोलो? कोई भी स्कीम आपकी कब खत्म होती है? पूरा सब कुछ खत्म, खत्म होने के बाद ट्रस्ट के पास कुछ बच गया, क्या बच गया? या तो पैसा या तो शेयर। पैसा बच गया, सब लोगों ने पैसा दिया, तो इस पैसे का क्या करेंगे? लोन रिपे करेंगे। ट्रस्ट के पास पैसा रखा है, खत्म, स्कीम खत्म, ट्रस्ट के पास पैसा रखा है, उस पैसे से लोन रिपे किया जाएगा। सिक्योरिटीज रखी हुई है, सिक्योरिटीज अनअप्रोप्रिएटेड सिक्योरिटीज रखी हुई है, बेच दो। ठीक है, एक्सेस मनी है या फिर शेयर्स बचे रिमेनिंग विद द ट्रस्ट, तो साफ साफ बोल दिया इसको यूटिलाइज करो। पहला यूटिलाइजेशन का तरीका क्या बोला? रीपेमेंट ऑफ लोन। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसको? एम्प्लॉयज को दे दो, और सब्जेक्ट टू अप्रूवल, ध्यान दे देना, रिकमेंडेड बाय दी, जो कंपनसेशन कमेटी बोलेगी वैसा कर लेने का। लोन देना लोन दे देंगे, एम्प्लॉयज को देना एम्प्लॉयज को दे देंगे। बात समझ में आ गई? पक्का? चलो ठीक है, आज की सभा यहाँ पर समाप्त करते हैं।